शुक्रिया जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 21 लाख लीटर पानी बहाने के मामले में बड़ा असर हुआ है। आरोपी फूड इंस्पेक्टर को रिकवरी नोटिस जारी कर दिया है जल संसाधन विभाग की तरफ से। 53,092 रुपए भरने होंगे अब फूड इंस्पेक्टर को, वो भी 10 दिनों के अंदर। मोबाइल के लिए जलाशय का पानी बहा दिया था, 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया था फूड इंस्पेक्टर ने। सस्पेंड पहले हो चुके हैं, अब जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी करनी होगी। 53,092 रुपए जल संसाधन विभाग को देने होंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। उधर कांकेर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। बोगान भोड़िया गांव पहुंची है प्रशासन की टीम, अब ग्रामीणों को मिलेगा पीने का साफ पानी। 5 महीने से बंद पड़े हैंडपंप को ठीक किया गया है। ग्रामीण झरिया का गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर थे। ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है हैंडपंप ठीक हो जाने से, और इस खबर को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम अब गांव पहुंची और बंद पड़े 5 महीने से बंद पड़े हैंडपंप को ठीक करवाया है। तो तस्वीरें आपके सामने, एक पुरानी तस्वीर है कि किस तरीके से झरिया का गंदा मटमैला पानी पीने को मजबूर थे ग्रामीण, क्योंकि 5 महीने से हैंडपंप बंद था। प्रशासन की टीम पहुंची, न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, प्रशासन जागा, प्रशासन गांव जाता है फिर हैंडपंप ठीक करवाता। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता खेम नारायण, हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ और ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। जी सुमित, बिल्कुल इनके चेहरों पर मुस्कान आना वाजिब है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से जिस गांव का नल खराब है और पानी के लिए जो लोग तरस रहे थे, उस गांव में अब प्रशासन ने सुध लिया है और वहां पर जाकर जो है खराब जो पड़ी हैंड पंप है उसे सुधार लिया गया है और वहां से अब साफ सुथरा पानी जो है मिलने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी खुश हैं। और इस खबर को जो है न्यूज 18 ने काफी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन इस गांव पहुंचती है और यहां के जो खराब हैंडपंप है उसको सुधारती है और इनको ग्रामीणों को अब साफ पानी मिलने लगा है। जी तो चलिए ठीक है, देर से आए दुरुस्त आए, बहुत धन्यवाद आपका खेमना जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां बस्तर में एक बार फिर से धर्मांतरण का आरोप लगा है। धर्मांतरण के खिलाफ लामबंद हुए हैं ग्रामीण, दरभा ब्लॉक के ग्रामीण पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। कटिनार ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए, धर्मांतरण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बाहरी लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया, 3 साल से ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण हो रहा था। यहां गांव के मंदिरों में पूजा में शामिल नहीं हो रहे ग्रामीण, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग है। बस्तर कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया है मामले में। पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में पार्टी नेताओं ने 1 महीने के महाजनसंपर्क का मेगा प्लान तैयार किया। चुनावी साल में बीजेपी की कोशिश महाजनसंपर्क के जरिए जमीन मजबूत करने की भी है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की नसीहत है कि पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क साध ले। बहरहाल महाजनसंपर्क अभियान के साथ साथ सियासी महाभारत भी शुरू हो गई। नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं और देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को उसका लाभ मिला है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से 30 जून तक एक वृहद महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है, यही नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है।
तो ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे? जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं तो महासंपर्क किस बात का? पहले अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चला ले। 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क कर ले, उसके बाद जनता से महासंपर्क के बारे में सोचे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मिशन बस्तर पर हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कड़ी मेहनत वो कर रहे हैं और इसी कवायद में ओम माथुर आज बीजापुर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया उनका। जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। माथुर के दौरे से बीजापुर के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बस्तर की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। मैंने बताया ना, बूथ जीता, चुनाव जीता। आप देखिए, प्रदेश प्रभारी होने के बावजूद भी मैं एक विधानसभा की कोर कमेटी यानी 12 से 15 लोग उनके साथ घंटों बैठ रहा हूँ कि किस तरह से चुनाव की रचना की जानी चाहिए, अभी से हमको क्या क्या होमवर्क करना है। तो मैं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनावी रचना के नाम टेक्निकल वर्क पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम देता हुआ जा रहा है। ऐसे भविष्यवाणी आजकल हमने आप लोगों के जिम्मे छोड़ रखी है, आप लोग करें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप आने वाले समय में 12 की 12 सीटें चुनाव जीतेंगे और जीत के बताएंगे आप। शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, एक तरफ राम की बात करते हैं वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी नहीं कर रहे। सरकार पहले शराबबंदी लागू करे, फिर उसके बाद राम की बात करे। तो शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोला है राज्य सरकार पर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, एक तरफ राम की बात करती है वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार पहले शराबबंदी करे, फिर उसके बाद राम की बात करे। हर कर्मचारी अधिकारी सरकार से खपा है, आपने झूठे वादे किए। एक तरफ आप राम की बात करते हो, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? एक हाथ में गंगा जल और दूसरे हाथ में शराब का पौवा लेकर के आपने कसम खाया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। पहले शराबबंदी तो लागू कर दें, उसके बाद राम की बात करें। रामायण तो रग रग में है छत्तीसगढ़ में, रामायण के बारे में भूपेश जी क्या समझाएंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को? रायगढ़ में राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में 1 से 3 जून तक इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और मेहमानों की आवभगत तथा कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। रामायण महोत्सव में पूरे देश भर से और अन्य देशों से भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कुमार विश्वास, मैथिली ठाकुर, बाबा हंसराज, लखविंदर सिंह लखा जैसे कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव में कार्यक्रम के साथ ही छत्तीसगढ़ी व्यंजन और मिलेट्स भी आकर्षण के केंद्र में रहेगा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया है कि कार्यक्रम लोगों के लिए पूरी तरह से निशुल्क रहेगा और कोई भी यहां आकर इस कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। लोगों ने व्यवस्था बनाया हुआ है और हम लोग समय से समय पे हम लोग जारी कर रहे हैं और ये जो पूरा प्रोग्राम है निशुल्क रहेगा, कोई पासेस की आपकी ज़रूरत नहीं है, जो भी देखना चाहेंगे उनके लिए ये रहेगा। और यहाँ पे इसमें किलो आरती का भी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, इसमें कुमार विश्वास जी का भी है और काफ़ी सारे ऐसे 3 दिन का जो प्रॉपर स्केड्यूल है वो संस्कृति विभाग से अभी कुछ दिनों में जारी, अभी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होना है, इस आयोजन को लेकर तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से भव्य पंडाल बना हुआ है और यही वो स्टेज है जहां पर 1 जून से 3 जून तक भव्य कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहुंचेंगे, इसके साथ ही अन्य देशों के जो रामायण मंडली है वो भी पहुंचेगी और लगातार जो है रामायण के जो भाग हैं उसको नाटकीय रूप में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए बॉलीवुड के कलाकार भी पहुंचेंगे, अन्य जो कलाकार हैं वो भी कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। अब तक जो जानकारी निकल कर आई है उसमें लगभग 5 देशों के जो कलाकार हैं वहां पर रामायण मंडली में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने पहुंचेंगे। इसके साथ ही रायगढ़ में बता दें जो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता हैं वो तमाम नेता भी इन 3 दिनों में यहां पर शिरकत करेंगे।
छत्तीसगढ़ में इस तरह का यह पहला आयोजन है जो इतने भव्य तरीके से होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ ही संस्कृति विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के एहतियातन जो है इस तरह यहाँ पर लगातार पुलिस के जवान और जो सुरक्षा से संबंधित एजेंसियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं। लगातार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर जो है अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफ़ी खुशी का माहौल है। रायगढ़ से न्यूज 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे।